गंगवार जो है वो आगे हो गए हैं, मतलब जितिन प्रसाद पीछे, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जितिन प्रसाद पीछे हो गए हैं। योगी सरकार के मंत्री है जितिन प्रसाद, पीलीभीत की सीट जहां था जितिन प्रसाद को टिकट दिया, लेकिन जितिन प्रसाद पीछे पीलीभीत में बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आदित्य यादव बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद में जो अक्षय यादव है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुर में डिंपल यादव जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। रामपुर मुरादाबाद को लेकर जो अपडेट है उसका हमें इंतजार है, और सुनते हैं ये बजर कहाँ से बजा है। बजर को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर सुभाष क्या है? तेलंगाना के करीम नगर से बंडी संजय कुमार आगे चल रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं, उन्हीं की सीट है। और बंडी संजय कुमार जो हैं वो तेलंगाना की करीम नगर सीट से आगे हैं। और कौन कौन आगे है तेलंगाना में? मल्काजगिरी से बीजेपी आगे चल रही है, मेडक से बीजेपी आगे चल रही है। तेलंगाना में बीजेपी जो है वो निजामाबाद सीट से आगे चल रही है। तेलंगाना में बीजेपी जो है वो आदिलाबाद सीट से आगे चल रही है। तो ये वो सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तो कम बेशी वही सीटें हैं जो बीजेपी ने 2019 में भी जीती थी, और तेलंगाना की उन सीटों पर एक बार फिर बीजेपी बढ़त बनाए हुए इस बार नजर आ रही है। एनडीए 255, इंडिया गठबंधन 163। आप देखिए किस तरीके से ये तस्वीर जो है वो कमोबेश अब सेटल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआती एक घंटा काउंटिंग का पूरा होता हुआ 8:53 हो रहे हैं, और ऐसे में 429 सीटों के शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं। बदल बजा है उत्तर भारत। अकोला से प्रकाश अंबेडकर आगे चल रहे हैं, संजय धोत्रे की ये सीट इस बार बीजेपी की तरफ से उन्हीं के बेटे अनूप धोत्रे को चुनाव मैदान में उतारा गया। और फिलहाल प्रकाश अंबेडकर बीपीए के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते आगे। उनको वंचित अगाड़ी, इसका मतलब है कि प्रकाश अंबेडकर वोट पाने में कामयाब रहे। एक और अपडेट ये आ रहा है कि अमरावती जो बाजू की सीट है नवनीत राणा पीछे चल रही है। नवनीत राणा पीछे चल रही है, प्रकाश अंबेडकर आगे हो गए। उत्तर भारत से क्या आगे? मंडी से कंगना 1294 वोट से आगे चल रही है। मंडी से कंगना जो है वो लीड लिए हुए नजर आ रही है। बाकी सीटों का जल्दी से दिखाइए, नीचे करिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए इसको। मंडी से कंगना रनौत जो है उन्होंने बढ़त बना रही है। झारखंड की 14 में से 3 सीटों के रुझान आए हैं, तीनों बीजेपी आगे है तीनों में। झारखंड की 3 सीटों के रुझान, तीनों में बीजेपी की बढ़त। और झारखंड में ये माना जा रहा था हेमंत सोरेन को लेकर सिंपति वोट इस बार कमाल करेगा क्या, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मेरठ से बीजेपी के अरुण गोयल उन्होंने बढ़त बना रखी है। राजगढ़ से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह आगे हो गए हैं। मंडी से कंगना रनौत लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। पीलीभीत से आप देख रहे हैं जितिन प्रसाद पीछे हो गए हैं। अकोला से प्रकाश अंबेडकर जो हैं वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और देश के हर हिस्से का हर अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। छत्तीसगढ़ से 9 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें अभी तक बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ा जानकारी। और इस बीच नंबर बदल गया, एनडीए 260 पर, इंडिया गठबंधन 180 पर, 452 शुरुआती सीटों के रुझान, जिसमें इंडिया गठबंधन 180 पर पहुंच गया है, एनडीए 260 पर है। मतलब वो जो डबल वाला फासला था वो कुछ घटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एनडीए 260, इंडिया 180। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, जो अपडेट मिल रहा है नितिन गडकरी नागपुर सीट पर अमित शाह 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गांधीनगर की सीट, अमित शाह की सीट 80,000 वोटों से आगे। गुजरात में बीजेपी इस वक्त 18 सीटों पर आगे चल रही है, और 2 सीटों पर इंडिया कांग्रेस आगे चल रही है। साबरकांठा, बनासकांठा और साबरकांठा में जो ठाकुर वोट जी बिल्कुल, साबरकांठा गुजरात की वो 2 सीटें जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है लगातार।